बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मैथ टीचर अब्दुल गफूर। आज हम पहले बाब की तारीफें पढ़ेंगे। पहले बाब की अहम तारीफें आपके सामने हैं, ये ज़रा सुन लीजिए, इसके बाद ये पढ़ते हैं। पहली तारीफ है, कालब की तारीफ करें और मिसाल दें। इन सवालों को ज़रा ध्यान से देखिएगा। आगे ये जवाब हैं कि किताब के किस पेज पर इनके जवाब हैं, तो इस सवाल का जवाब जो है वो पेज नंबर 3 और 336 पर है। सवाल नंबर 2, कतारी कालब की तारीफ करें मिसाल दें, तो इसका जवाब सफ़ा नंबर किताब के सफ़ा नंबर 5 और 336 पर मौजूद है। सवाल नंबर 3, कालमी कालब की तारीफ करें मिसाल दें, तो ये 5 सफ़ा 336। तो सवाल नंबर 4, मुस्ततीली कालब की तारीफ करें मिसाल दें, सफ़ा नंबर 6 और 336। पहले हम ये 4 तारीफों के मुतालिक पढ़ते हैं, अभी थोड़ी सी और कर लें। सवाल नंबर 5, मरबी कालब की तारीफ करें मिसाल दें, तो ये 6 सफ़े पर और 336। सिफरी कालब की तारीफ करें मिसाल दें, सवाल नंबर 6 सफ़ा नंबर 6 और 336 पर। ये पहले 6 तारीफ़ें हम अभी इन पर बहस करते हैं, यहाँ तक पहली 6 तारीफ़ें। तो इसमें सबसे पहली है, कालब की तारीफ़ करें और मिसाल दें, सफ़ा नंबर 3। इसकी तारीफ़ ज़रा सुने। कालब हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततीली बनावट, मसलन 0, 1, 2, 3, 4 और 7 नंबरों की मदद से बनावट 1, 3, 4, 7, 2, 0 को ब्रैकेट में बंद कर देने, ये ब्रैकेट के अंदर इनको बंद कर दिया गया है, को कालब कहा जाता है। ये कोई भी हकीकी अदाद लिए जा सकते हैं, ये इसकी मिसाल है। मसलन आप सिर्फ ये 3 ले लेते हैं, कोई बात नहीं, तो आप 0, 1, 2 ये देखें, ये भी आपने लिख लिए। इस तरह भी लिख सकते हैं 0, 1, 2, ये भी कालब है, ये भी एक मुस्तील की शक्ल का बन गया कालब, देखें उसके गिर्द ब्रैकेट लगा दिया। अगर आप सिर्फ इतना ले लेते हैं 0, तो 0 के गिर्द भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, ये एक रुकन वाला कालब। इस तरह ये आप तरतीब से हकीकी अदाद कोई भी जितने जी चाहे लें, 1 लें 2 लें 3 लें जितने भी लें, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने यही लिखने हैं। आपने लिखना है हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततीली बनावट, आगे मसलन लिखा हुआ है, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 इस्तेमाल कर लें, 3 कर लें। नंबरों की मदद से बनावट, यानी पहले बनावट बना लें, 1 की बना लें, 2 की बना लें, 3 की बना लें, को ब्रैकेट में बंद कर देने, और जो बनावट बनाई होगी यहाँ पे उसके मुकालब कहा जाता है, उसके गिर्द ब्रैकेट लगा देनी है। तारीफ नंबर 2 है, कतारी कालब की तारीफ करें मिसाल दें, ये मिसाल भी मैंने अभी आपको पिछले कालब की भी तारीफ में भी दे दी, जो आपने लिखी है वो मिसालें ही थी सारी। तो कतारी कालब की तारीफ करें और मिसाल दें, सफ़ा नंबर 5 ये देखें, सफ़ा नंबर 5 पर देखें। कतारी कालब ऐसा कालब कतारी कालब कहलाता है जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, यानी इसके लिए शर्त क्या है कि जिसमें एक कतार हो, एक से ज़्यादा कतारें ना हों, वो सारे कालब जो हैं वो कतारी कालब कहलाते हैं। ये इसकी मिसाल लिखी हुई है उसने, मिसाल m बराबर, ये कालब का नाम रखा हुआ है, m आप a भी लिख सकते हैं, b भी, 2 नफ़ी 1 7। आप ज़रूरी नहीं कि यही लिखें, यहाँ तक आपने लिखना है, यहां तक। तीसरा है, कालमी कालब की तारीफ करें और मिसाल दें, मिसाल साथ लाजमी याद रखनी है एक एक, ये इसी सफ़ा नंबर 5 पर ही देखें। कालमी कालब ही है, ऐसा कालब कालमी कालब कहलाता है जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो, जिस तरह कतारी कालब के लिए एक कतार का लफज था, इसीलिए इसके लिए कालम होना शर्त है। तो ये देखें, इसकी 2 मिसालें उसने किताब के अंदर दी हुई हैं, आप अपनी मर्जी से आप खुद भी मिसालें दे सकते हैं। देखें ज़रा ये और मिसाल देखें, ये देखें, ये भी एक कालम है इसमें,
ये देखें एक कॉलम, ये एक कॉलमी कॉलम है। इसी तरह ये भी देखें, ये भी एक कॉलमी कॉलम है, ये दूसरी मिसाल है। तो एक और मिसाल देखें जरा, ये देखें, ये जरूरी नहीं एक दो तीन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, चार पाँच छः भी कुछ भी लिख सकते हैं। ये जमा मनफी की शक्ल में भी, यानी कोई भी हकीकी इदाद इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इस तरह ये मिसालें हैं, आपने कोई एक मिसाल कालमी कालम, जिस सिर्फ शर्त यह है कि कालम एक होना चाहिए। आप ज़रा चौथी तारीफ देखें, मुस्तिली कालम की तारीफ करें और मिसाल दें। सफ़ा नंबर छः पर जवाब है, ये देखें, सफ़ा नंबर छः पर देखें, ऐसा कोई भी कालम मुस्तिली कालम कहलाता है जिसमें कतारों की तदाद उसके कालमों की तदाद के बराबर ना हो। ज़रा गौर से देखें, इसमें लिखा हुआ है कतारों की तदाद कालमों की तदाद के बराबर ना हो। तो ये सारे वो कालम जो हम मुस्तिली कालम कहेंगे जिसमें कतारों और कालमों की तदाद बराबर नहीं होगी। तो ये देखें, मिसाल में ये तीन मिसालें आपके सामने चार दी हुई हैं, इसमें कतारें कितनी हैं, एक दो तीन, कालम कितने हैं, एक दो। तो लिहाजा इसमें तीन कतारें और दो कालम हैं, ये बराबर नहीं है, इसलिए ये मुस्तिली कालम है। इसमें भी ज़रा गौर करें, तो ये पहली कतार, ये दूसरी, कितनी कतारें हुई, दो, लेकिन कालम कितने हुए, ज़रा सोचें आप, हो जवाब दें, एक दो तीन, कितने हुए कालम, कितने हुए, तीन। तो लिहाजा देखें, दो कतारें और तीन कालम थे, ये बराबर तो नहीं है ना, तो ये भी एक मुस्तिली कालम है। इसी तरह ये सी, इसमें एक कतार है, ये देखें, ये कतार में कालम कितने हैं, एक दो तीन, एक और तीन बराबर नहीं ना होते, कतारों की तदाद और कालमों की तदाद बराबर नहीं है। तो लिहाजा ये भी मुस्तिली कालम की मिसाल है, आपने कोई एक मिसाल देनी है। ये चार मिसालें आपके सामने हैं, ये देखें, ये तीन और एक, एक कालम है, तीन कतारें हैं, ये भी मुस्तिली कालम है, ये भी, ये सारे मुस्तिली कालम है, आपने कोई एक लिख देना है। पाँचवीं तारीफ है कि मरबी कालम की तारीफ करें मिसाल दें। ये सफ़ा नंबर छः पर जी देखें जरा, ये सफ़ा नंबर देखें छः पर, मरबी कालम मुस्तिली कालम के नीचे, तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखें जरा, एक दिया हुआ कालम मरबी कालम कहलाता है अगर इसमें मौजूद कतारों की तदाद उसमें कालमों की तदाद के बराबर हो। यानी मरबी कालम एक ऐसा कालम होता है जिसमें कतारों और कालमों की तदाद बराबर हो। यहाँ पे लफ्ज़ देखें बराबर लिखा हुआ है, लेकिन मुस्तील में और इसमें फ़र्क यह है कि उसमें लिखा हुआ था बराबर ना हो। ये देखें ऊपर इसमें आखिरी लफ्ज़ था बराबर ना हो, बाकी तरीफ वही है, तो ये भी बिल्कुल वही तरीफ लिख देना है। ऐसा कोई भी कालम, यहाँ पे मुस्तिली की बजाय क्या लिख रहे हैं, मरबी कालम कहलाता है जिसमें कतारों की तदाद और कालमों की तदाद बराबर हो लिखना है। मरबी के लिए क्या लिखना है, बराबर हो। तो आप देखते हैं ज़रा मिसाल भी, ये देखें मिसाल ज़रा, ये एक एक कालम है, इसमें ये दो नफी एक, इसमें कितनी कतारें हैं, एक दो। अच्छा कालम आप बताएं ज़रा कितने हैं, कितने हैं जी, एक दो, ठीक बताया आपने, दो ही कतारें हैं और दो ही कालम हैं, तो लिहाजा ये बराबर हो गए हैं तदाद, इसलिए ये मरबी कालम की मिसाल है। इसी तरह ये देखें इसमें कतारें कितनी हैं, ये बी में, एक दो तीन, कालम कितने हैं, एक दो तीन, वो भी तीन है, तो लिहाजा बराबर है, इसलिए ये भी मरबी कालम है। ये कालम सी है, इसमें देखें ये एक कतार एक ही कालम है, तो ये भी एक मरबी कालम है। अब ये छठी तारीफ देखें, सिफरी कालम की तारीफ करें मिसाल दें। ये हर एक में मिसाल लाजमी एक एक देनी है। तो सिफरी कालम एक ऐसा कालम होता है जिसमें हर एक रुकन जो है उसका सिफर हो। ये सफ़ा छः पर ही देखें, नल आर ज़ीरो मैट्रिक्स सिफरी कालम, एक दिया हुआ कालम सिफरी कालम कहलाता है अगर इसमें हर रुकन जीरो जीरो हो, यानी सिफर हो। ये इसका हर एक रुकन जो है वो सिफर होना ज़रूरी है। ये देखें ये मसाले हैं, कोई भी एक आप लेके के उसके अंदर ये ज़ीरो ज़ीरो दर्ज कर देने हैं बस। ये देखें बेशक वो कतारी हो, कालमी हो, मरबी हो, जिस तरह का भी हो, सिर्फ उसका हर रुकन जो है वो सिफर होना चाहिए, उसके अलावा कोई अदद ना हो। तो इनमें से कोई एक मिसाल लिखनी है।